अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, एक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के नए मामलों में बड़ा उछाल आते ही दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार के नए प्रतिबंधों से राज्य में गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े उद्योगों की चिंता बढ़ गई है। यही नहीं, नई पाबंदियों के अनुसार महाराष्ट्र में जरूरी सेवा वाली दुकानें, दवा दुकानों और किराना दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी। इससे इनमें काम करने वाले लोगों के फिर से बेरोजगार हो जाने की भी खबरें हैं। महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे लॉकडाउन की आशंका बलवती होते देख प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में जल्द से जल्द चले जाना चाहते हैं। इनकी चिंता यह है कि कहीं रेलवे सेवा बंद हो गई तो बसों में मुंह मांगे दाम देकर या फिर पिछली बार की तरह अन्य साधनों का उपयोग कर या फिर पैदल जाने को मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि रेलवे ने यह कहीं नहीं कहा है कि सेवाओं पर कोई असर पड़ने जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में अफवाहें बड़ी तेजी से फैलती हैं। रेलवे पिछले साल से ही सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन कर रहा है और एकदम से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से फिलहाल कोई टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन मजदूर हैं कि बस जो पहली ट्रेन मिले उससे चले जाना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी जा सकती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में भी बुधवार को 5100 नए मामले सामने आने के साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। जहां तक मुंबई की बात है तो यहां लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आरक्षण काउंटरों के आगे प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी जा सकती है। एक रेलवे अधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों के बारे में पूछताछ बढ़ गई है। इसी तरह दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बताया जा रहा है कि आनंद विहार स्टेशन पर भी अचानक से यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। मैं ट्रेन में आ रहा था, प्रॉपर मास्क इस्तेमाल करने के लिए भी गवर्नमेंट बोली है, लेकिन अभी मैंने ट्रेन में देखा काफी लोगों ने विदाउट मास्क ट्रेन में ट्रैवल किया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कोविड कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें जितना हो सके हमें उससे बचना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, प्रॉपर मास्क वियर करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोविड केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी गलती है। ये देखिए, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा है, लोग मास्क का यूज़ कम कर रहे हैं, सैनिटाइज कम कर रहे हैं, अपने हैंड वॉश कम करते हैं। मेरे ख्याल से यही बेसिक चीज़ें हैं जो शायद हर जिम्मेदार नागरिक को देखना चाहिए एंड उसको करें तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उधर महाराष्ट्र में तो प्रवासी मजदूरों का विरोध करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कह दिया है कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के लिए जिम्मेदार हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ डिजिटल संवाद के बाद राज ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा, महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य है जो अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिकों को आकर्षित करता है। जिन स्थानों से ये श्रमिक आए हैं वहाँ पर्याप्त जांच सुविधाएं हैं नहीं। उन्होंने कहा, पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मैंने सुझाव दिया था कि जो प्रवासी अपने मूल स्थानों पर लौटे हैं उनकी जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी ओर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य के पास कोविड-19 के टीके की 14 लाख खुराकें ही बची हुई हैं जो 3 दिन ही चल पाएंगी, और टीकों की कमी के कारण कई टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। टोपे ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि ऐसे टीकाकरण केंद्रों पर आ रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि टीके की खुराकों की आपूर्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, राज्य में अब 14 लाख खुराकें ही उपलब्ध हैं जिनसे 3 दिन ही टीकाकरण हो पाएगा। हमें हर हफ्ते 40 लाख खुराकों की जरूरत है, इससे हम एक सप्ताह में हर दिन 6 लाख खुराकें दे पाएंगे, पर्याप्त टीके नहीं मिल पाए हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। टोपे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पूर्व में एक दिन में 4 लाख लोगों का टीकाकरण कर रही थी। उन्होंने कहा, रोजाना 6 लाख लोगों का टीकाकरण करने की केंद्र की चुनौती हमने स्वीकार की थी, अब एक दिन में 5 लाख लोगों का टीकाकरण हो पा रहा है। मंत्री ने केंद्र से टीके की आपूर्ति में महाराष्ट्र को प्राथमिकता देने को कहा क्योंकि राज्य में मृतकों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। उन्होंने बताया कि अब संक्रमित हो रहे अधिकतर लोग 25 से 40 साल के उम्र के हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक
वहाँ कर्फ्यू रहेगा 30 अप्रैल तक की इसकी अवधि बताई गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा भी की गई है।